कोटैक म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम जिसमें इन्वेस्ट करने पर हम अपने लिए 2.34 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी सिर्फ 1000 रुपए की मंथली SIP के थ्रू इन्वेस्ट करके। कौन सी है स्कीम, इसमें निवेश कैसे करना है, कैसे मिलेगा 2.34 करोड़ रुपए तक का फंड, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे कोटैक म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में, जहां हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोटैक म्यूचुअल फंड की इस स्कीम के बारे में, और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि कैसे आप 1000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करके 2.34 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोटैक म्यूचुअल फंड की स्कीम का नाम है कोटैक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, यह एक स्मॉल कैप फंड है जो स्मॉल कैप वाली कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करता है। जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक, स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर किसी ने स्कीम में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए थे, तो वो आज 2,20,000 रुपए हो गए हैं, यानी 3 साल में 2 गुना से ज्यादा का रिटर्न मिला है। इसलिए अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपने रिस्क प्रोफाइल देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें इस फंड की होल्डिंग्स की, तो इस फंड की टॉप होल्डिंग है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, सीला फोम, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, आमेर इंटरप्राइजेस, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्लू स्टार, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स आदि। यानी इस फंड ने इन कंपनीज के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम स्कीम के रिटर्न की बात करें, तो स्कीम का ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 20.25% का है, और पिछले 5 साल का रिटर्न 17.54% का है। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, तो पिछले 3 साल में स्कीम ने 30.11% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का रिटर्न 14.79% का है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 1000 रुपए और लमसम 5000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का NAV अभी 173.47 रुपए चल रहा है। स्कीम का फंड साइज है 7,385 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का। ये तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है SIP, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। तीसरा होता है SWP प्लान, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आगे इस वीडियो में हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप स्कीम में 1 साल 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा कितने साल में कितना हो जाएगा, या फिर अगर आप स्कीम में 1000 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 20% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर हम 20% का रिटर्न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए मानकर चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में यह 20% से कम या ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 5 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,48,832 रुपए का। 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 2,48,832 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 10 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 5,19,174 रुपए का। 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 6,19,174 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 15 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 14,40,702 रुपए का। 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 15,40,702 रुपए होंगे।
अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 20 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 37,33,760 रुपए का। 1,00,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 38,33,760 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 25 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 94,39,622 रुपए का। 1,00,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 95,39,622 रुपए होंगे। अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको 30 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2.36 करोड़ रुपए का। 1,00,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिला के आपको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 2.37 करोड़ रुपए होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक साथ 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके 30 साल में 2.37 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 20% का, जो कि स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है। अगर आप इस 1,000 रुपए की SIP को 5 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 43,454 रुपए का। 60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 5 साल के बाद वो 1,03,454 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2,62,364 रुपए का। 1,20,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 10 साल के बाद वो 3,82,364 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 15 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 9,54,295 रुपए का। 1,80,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 15 साल के बाद वो 11,34,295 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 29,21,479 रुपए का। 2,40,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 20 साल के बाद वो 31,61,479 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 25 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 83,26,708 रुपए का। 3,00,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 25 साल के बाद वो 86,26,708 रुपए की होगी। अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर रिटर्न मिल जाता है 20% का, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2.30 करोड़ रुपए का। 3,60,000 रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और टोटल वैल्यू जो होगी 30 साल के बाद वो 2.34 करोड़ रुपए की होगी। इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर 1,000 रुपए महीना से SIP स्टार्ट करके 30 साल में 3,60,000 रुपए जमा करके 2.34 करोड़ रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट से, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।